सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। चलिए, पैंट कटिंग करने के लिए मुझे सीधी फिट की भी और टेढ़ी फिट की भी जरूरत पड़ती है। आइए, मैं ली हूँ 2 मीटर कपड़े हैं, 2 मीटर से थोड़ा कम ही है। ये डबल फोल्ड है, इसको मैं अभी फोल्ड फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, ये मेरे फोल्ड फोल्ड है कपड़े। ये 1 इंच कपड़े मैं यहाँ चेहरा है उसको मैं सीधा करने के लिए निशान लगा रही हूँ। और यहाँ 2.5 इंच में इलास्टिक के लिए रखती हूँ। अभी इलास्टिक 2 इंच की है, 2.5 इंच की है, तो आप इसे ज्यादा भी रख सकती हैं, 3.5 इंच रख सकती हैं। मैं यहाँ सिलाई के लिए 1 इंच रख रही हूँ और इधर की सिलाई के लिए भी मैं 1 इंच रख रही हूँ। ये बीच में मेरा बचा है 11 इंच। आइए, मैं अब इस निशान को मिला देती हूँ। आइए, मैं इस निशान को मिलाती हूँ। ये पैंट की लंबाई है 37 इंच। ये पैंट की लंबाई है 37 इंच। यहाँ जो ये कपड़ा 1.5 इंच बच रहा है, इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। इसे भी मैं इस लाइन को भी मैं मिला देती हूँ ताकि मुझे काटने में आसानी हो। ये 1-1 इंच निशान मुझे हर जगह लगा लेना ताकि मुझे कट करने में दिक्कत ना। ये पैंट है ट्राउजर पैंट, इसको मैं हम लोग बोलते हैं ट्राउजर पैंट। इस निशान को मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दी, इसी तरीके से इसको भी मैं मिला दूंगी। ये हो गया, अब ये मेरे लेंथ का निशान है, इसको भी मैं यहाँ तक मिला देती हूँ। ये मेजरमेंट करने में आसानी होगी। ये जो है, ये नीचे का जो पॉइंट है पैंट का, इसको मैं 7 इंच रख रही हूँ। ये तैयार 7 इंच है, इसको मुझे 1.25 इंच सिलाई के लिए रखना है। ये अभी आसन है, अभी मेरा आसन है 15 इंच। ये तैयार आसन है 15 इंच और 1/2 इंच में सिलाई के लिए रखती हूँ। इसमें ही मैं ऐसे करके
इसको गोलाई कर दें। अब यहाँ पे मुझे 10 फीट की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं ऐसे टेढ़ा रखूंगी। और इसको मैं ऐसे करके यहाँ इस निशान तक मिला दूंगी। देखिए मेरा ट्राउजर पैंट का निशान। आइए मैं कटिंग करके बता दूँ। तैयार हो गया। अब मैं इसको पहले यहाँ की सिलाई लगाऊंगी, फिर यहाँ पे मैं ये लगाऊंगी, असल में ही प्यान लगाऊंगी। आइए अब मैं स्टिचिंग करके बताइए। इधर से इधर तो मैं आसन लगाने का काटने है, इधर प्लेन जगह है, इसलिए मैं इधर सिलाई कर रही हूँ। अब ये सिलाई को देखिए, सिल गया, यहाँ से सिल गया। अभी इधर पे मैं नाप सिलाई चलाती हूँ, इस पे नाप सिलाई चलाना जरूरी रहता है पैंट पे, तभी ये पैंट की खूबसूरती अच्छी लगती है। इसलिए ये ट्राउजर पैंट है, ये नाप सिलाई मैं चला रही हूँ। अभी मेरी नाप सिलाई हो गई, तो ऐसे करके मैं अभी यहाँ ये आसन लगाना। इसको ये जो ऐसा किया हुआ कटा हुआ है, टेल बना हुआ है, इस पर ही मैं ये म्यानी को डाल के सिलाई करती हूँ। ऐसे आप भी मर्जी लगाए म्यानी या नहीं भी लगाए, लेकिन ये लगाने से अच्छा रहता है, कपड़ा फंसकता नहीं। मैं ये म्यानी जोड़ी हूँ, इसको अभी यहाँ इस पे ज्वाइंट कर दूंगी। फिर इसको ज्वाइंट करके ऐसे सिलाई कर लगा दूंगी। इस पे डबल सिलाई चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन इस पे डबल सिलाई चलाना जरूरी नहीं रहता है। ये यहाँ ऐसे म्यानी को ऐसे दबा कर ऐसे, फिर यहाँ इसको ऐसे बचा के कपड़े को सही से, फिर यहाँ इसको सिलाई दबा। देखो अब ये सिल के तैयार है। अब ये जो है मेरा, ये अब लास्टिक लगाने वाला हो गया। अब इसमें मैं लास्टिक लगा दूँ। इलास्टिक के लिए जो मैं यहाँ पे आधा आधा इंच पहले फोल्ड कर दूंगी, पहले इसको फोल्ड कर दूंगी फिर इलास्टिक लगाऊंगी। अब ये आधा इंच सिलाई मेरी थोड़ी लॉन्ग हो गई, अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। मैंने इलास्टिक कमर के हिसाब से ले रखी है। हम इसको पहले ऐसे करके यहाँ सिलाई चला, देखिए ऐसे करके यहाँ सिलाई चलाना, इसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि खुले रहे। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें और पूरी लाइन से देख कर अच्छे से समझ के, फिर अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।
इसमें मैं 4-5 सिलाई चला देती हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए। देखिए मेरी लास्टिक पैक हो चुकी है। लास्टिक पे सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिलाई ये कपड़े को थोड़ा बढ़ा के आधा इंच होना चाहिए। मेरी सिलाई यहाँ से होगी। ये सिलाई जो है, ये सिलाई यहाँ परफेक्ट बैठना चाहिए तभी सीधा से लगेगा, नहीं तो फिर आधा टेढ़ा हो जाएगा, लगाने में दिक्कत होगी। ये इलास्टिक एंड में ऐसे टांग के पूरा फिट कर लेते हैं और अगर कहीं पे थोड़ा झोल खाता हो उसको फोल्ड कर। देखिए मेरी इलास्टिक बराबर से अच्छे से लग गई। अब ये इलास्टिक मेरी लग गई, एक सिलाई है इलास्टिक लग गई, तो इसमें मैं डबल सिलाई चलाऊंगा। डबल सिलाई के लिए एक साइड से इलास्टिक ऐसे करके टांग के पकड़ ताकि ये मजबूत से सिलाई हो और इलास्टिक बाद में हम लोग फैलाएंगे मैंने के लिए अच्छे से कवर में डालेंगे। अगर इसे नहीं डालेंगे तो इलास्टिक भी सिलाई हो जाएगी कपड़े के साथ साथ, ये नहीं चाहिए। ये देखिए ये इलास्टिक कितनी अच्छी सी लगे, इतनी ज्यादा फैल गई। अब आइए इसको ऐसे करके पैक करूंगी, पैक करने के बाद फिर नीचे का ये मेरा मेरी चौड़ाई है इसकी 7 इंच, तो मेरी 7 इंच की चौड़ाई। पहले मैं यहाँ सिलाई चला लूंगी। अब ये मेरी सिलाई हो गई। अब यहाँ मैं इसको ऐसे आधा इंच इसको मोड़ूंगी, फिर एक इंच यहाँ पे ऐसे फोल्ड करूंगी। 1.5 इंच रखी थी मैं, तब इसको गोलाई में फोल्ड कर दूंगी। ज्यादा इसको टालने की जरूरत नहीं है, इसको हल्के हाथों से ऐसे गोलाई करके करना है, अच्छे से बराबर सिलाई हो जाए। अभी मेरा ट्राउजर पैंट तैयार हो गया। जैसे मैं इसको करी इधर का करती हूँ उसी तरीके से मैं इधर भी इस साइड भी करके, ये देखिए मेरा पूरा राउंड अच्छा आया है। अभी ऐसे करके ये ट्राउजर पैंट तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा ट्राउजर पैंट तैयार हुआ। पैंट और ट्राउजर, पैंट ट्राउजर सिल्के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।